तो आज हम लोग फोर्स एंड मोशन का कंप्लीट चैप्टर वन शॉट में देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर अगर बुक में देखेंगे तो काफ़ी लंबा होगा, और अगर सिलेबस में देखें तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टॉपिक है। सिर्फ इसका डिफिनेशन या शॉर्ट टर्म पे ही डिस्कस किया है टॉपिक में। तो और ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट भी है रोटेशनल मोशन को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फोर्स, फोर्स क्या है? फोर्स जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, तो उसके कारण होता क्या है? या तो उसका मोशन में चेंज आ जाता है, मोशन में चेंज आ जाता है, या फिर शेप में चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी भी चीज़ पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मोशन चेंज हो जाएगा या शेप चेंज हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम उसको फोर्स कहते हैं। तो इसमें हमारा इसे फोर्स टॉपिक में ज़्यादा कुछ डिस्कस किया नहीं, उसमें बस डिफाइन में बुक में अगर देखिएगा डिफाइनेशन बस डिस्कस किया है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में फार्मूला का भी डेरिवेशन पूछ लेते हैं, हम देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है। फोर्स जो है, फोर्स जो है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम बाय टाइम, ये होता है हमारा फोर्स। या फिर इसको फोर्स को हम इस फॉर्मूला के बेसिस पे डिफाइन करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम में तो हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, एम वी, और चेंज है तो एम वी माइनस एम यू करना पड़ेगा बाय टी, टाइम है टी देते हैं। अब मास हम कॉमन ले लेते हैं, मास कॉमन लेते हैं तो वी माइनस यू बाय टी हो जाता है, और वी माइनस यू बाय टी क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहीं से फोर्स का ये फॉर्मूला आया है, फोर्स का फॉर्मूला आया है एम ए। ऐसे तो ये फॉर्मूला जो है सेकेंड लॉ में ड्राइव किया हुआ है न्यूटन का, लेकिन सेकेंड लॉ हमारा सिलेबस में भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा फार्मूला का उतना चांसेस नहीं है पूछे जाने का। लेकिन हाँ, ये जो फोर्स जो है वो मोशन को चेंज करता है और शेप को चेंज करता है, यही दो बात हमारा फोर्स टॉपिक में देखे तो हमारा दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं, तो अब देखते हैं बुक इसको किस तरह से समझाया है। बताएं फोर्स को एक्सटर्नल इफोर्ट है, एक्सटर्नल इफोर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल के, मतलब कोई एक बाहरी प्रभाव है पुश या धक्का देते हैं या फिर खींचने के रूप में, जिसके कारण की इफेक्ट होता है। तो क्या इफेक्ट होता है, या तो चेंज होता है या ट्राई करता है चेंज करने मोशन ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का मोशन को या तो चेंज करता है या ट्राई करता है। जैसे कोई एक मास है जो कि 5 kg का है, इस पर अगर फोर्स लगाए तो इसका मोशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इस ये चलने लगेगा। अगर अभी स्टेशनरी है चलने लगेगा, या फिर चल रहा है जो भी स्पीड में चल रहा है उसके ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है 500 kg का, अब हम कितना भी इस पर फोर्स लगाएं तो ये तो चलेगा नहीं, लेकिन ट्राई तो हो सकता है चलने का ट्राई करेगा, क्योंकि जो भी हल्का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेगा, मतलब वो ट्राई कर रहे हैं चलने का, लेकिन वो मोशन में आ नहीं पाएगा। तो वही कहा है इसमें, या तो चेंज होता है या तो ट्राई करता है चेंज करने का। उसके बाद बताया है चेंज होता है या ट्राई करता है डायरेक्शन को चेंज करने का। जैसे कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, अगर हम इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएं उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वैसा कंडीशन में, या नहीं भी चेंज हो तो वो ट्राई करेगा बस चेंज करने का। अब एग्जांपल दिया है कि जब पुश करते हैं एक बॉल को जो कि ग्राउंड पे हो, तो ये स्टार्ट करने लगता है रोल करना, लेकिन हम लोग वही हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करते तो ये मूव नहीं करता है। लेकिन बोल द केसेस में होता है कि चेंज होता है या ट्राई करता है चेंज मोशन ऑफ बॉडी। जैसे यहाँ बताएं कि अगर हमारे पास स्मॉल मास था तो ये चेंज तो कर दिया, और जब यहाँ हैवी मास था
तो ये चेंज कर रहा था लेकिन ट्राई करने चेंज कर रहा था लेकिन ट्राई हो नहीं सका, चेंज हो नहीं सका। तो वही बताएं एग्जाम में, तो अगर एग्जाम्पल में अगर छोटा बॉल है जो ग्राउंड पे अगर उसको पे फोर्स लगा तो वो स्टार्ट करने लगा रोलिंग करना, लेकिन वहीं जब हम लोग हैवी स्टोन पे किए तो मूव करना स्टार्ट नहीं किया। तो ऐसा यही एग्जाम्पल लिया हुआ है फोर्स का यहाँ पर। अब उसके बाद हमारा मोमेंटम, मोमेंटम क्या है समझते हैं। मोमेंटम को जो है ये जो होता है पी बराबर होता है एम वी, एम वी। तो मोमेंटम को जो है बोला है कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का, मास एंड वेलोसिटी का। मोमेंटम जो है यह है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी का, प्रोडक्ट को ही मोमेंटम कहते हैं, प्रोडक्ट को ही मोमेंटम कहते हैं, किसी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम का जो होता है फार्मूला हो जाता है एम वी, और इसका जो होता है, इसका जो होता है यूनिट जो होता है, हो जाता है यूनिट, वो हमारा हो जाएगा मास का जानते हैं हम केजी होता है, और वेलोसिटी का जो हो जाता है आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसमें यूनिट का बात करें तो केजी हो जाएगा आपको मास का यूनिट, और मीटर पर सेकंड आपको वेलोसिटी का यूनिट। उसके बाद का डायमेंशन देखें तो ये हो जाएगा क्या, केजी का जानते हैं मास, एम हो जाता है डायमेंशन, मीटर का जानते हैं एल हो जाता है, और सेकंड का जानते हैं टी होता है, टी पे बाय में है तो माइनस टू पे इनवर्स टू हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मीटर पर सेकंड नहीं होगा, मीटर पर सेकंड नहीं होगा वेलोसिटी का यूनिट, और यहाँ पर माइनस टू नहीं होगा माइनस वन होगा, मीटर पर सेकंड नहीं होगा। अब इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहले देखते हैं मोमेंटम को बुक कैसे डिफाइन किया है और कैसे समझाया है। एक फोर्स रिक्वायर करता है, कोई भी एक फोर्स रिक्वायर करता है एक कोई भी मूविंग बॉडी है उसको स्टॉप करने के लिए, या डायरेक्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास और वेलोसिटी के। कहाँ है कोई भी एक फोर्स है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर हम फोर्स लगाते हैं, या तो इसका मोशन में लाने के लिए या स्टॉप करने के लिए या फिर इसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तो वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मास और वेलोसिटी के। ऑब्जेक्ट का अगर जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हमको डिफिकल्ट होगा इसका मोशन में लाने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए, या फिर जितना ज़्यादा अति होगा जितना अधिक वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर हम ले लें कोई मेरे पास एक साइकिल है जिस पे हम जा रहे होते हैं और आपको इसका मोशन को चेंज करना है, इसको रोकना है, तो आप एक हाथ से पीछे से खींचेंगे तो रुक जाएगा, लेकिन वहीं अगर आपके पास ट्रक है और उसको आपको रोकना है चलता हुआ ट्रक को, तो आप दोनों हाथ से भी खींचेगा तो नहीं रुकेगा। तो यही बोल रहे हैं कि मास के दोनों का मास पे डिपेंड करता है, जिसका ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा उसमें फोर्स लगाते हैं, और जिसका जितना कम रहता है उतना कम लगाते हैं। वही वेलोसिटी की अगर बात करें, अगर कोई एक दो बाइक से जा रहा है, कोई एक बाइक जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, उसको आप जाइएगा हाथ से खींच के रोक लीजिएगा, लेकिन एक जा रहा है 180 किलोमीटर पर सेकंड तो उसको आप नहीं रोक सकिएगा, उसको नहीं रोक सकिएगा। तो वही कहा है कि जिसका ज़्यादा वेलोसिटी होगा उस पर उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ये मोमेंटम का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फोर्स जो होता है, जो भी फोर्स रिक्वायर्ड होता है रोकने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोमेंटम के बराबर। क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे, और क्वांटिटी इसी क्वांटिटी को टर्म दे दिया गया है मोमेंटम।
यही क्वांटिटी जो कि मास और वेलोसिटी के कारण लग रहा है, तो इसी को नाम दे दिए हैं मोमेंटम। और मोमेंटम को जो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी के। तो जैसे हम बताए थे कि ये प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी होता है, और सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होता है जानते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, तो मोमेंटम का डायरेक्शन जो होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। और इसका ऐसा ही जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, ऐसा ही यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाता है। इसका फार्मूला देख लें, फार्मूला जो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जैसे हम बताए थे। और इस वही फार्मूला का फिर मोमेंटम दिया है, मास इंटू वेलोसिटी दिया है, जिसमें कि पी जो है मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, मास को एम से, और वी से वेलोसिटी को वी से डिनोट किए हैं। अब लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम को इसे डिफाइन किया है, लीनियर एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि प्रोडक्ट है मास ऑफ ऑब्जेक्ट का और उसके वेलोसिटी का। तो वही बोला है मास ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही कहते हैं लीनियर मोमेंटम, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इन कोई भी चेंज होगा, मास में हो या वेलोसिटी में हो, तो हमारे लीनियर मोमेंटम में चेंजेज हो जाएगा। अगर दोनों में से किसी भी एक चीज़ में अगर कोई भी चेंज हो जाता है, तो मेरा लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। उसके बाद इतना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है उसके फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। कंडीशन क्या दिया उसमें कंडीशन है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हो, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और वो एक सिस्टम के अंदर हो, इस पूरा सिस्टम का, किसी भी सिस्टम में। सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं दो कार के बीच में कोलिजन हो रहा है। अगर दोनों कार का कोलिजन के बीच में कोई भी, यहाँ देख रहे हैं, और कोई एक्स्ट्रा तीनों में दोनों कार के अलावा कहीं भी इससे किसी तरह से फोर्स नहीं लग रहा है, तो वैसा कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ पर एक सिस्टम है जिसके अंदर की कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ये एक सिस्टम मान लेंगे और इसके अंदर कहेंगे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखे थी बस इसी दो कार के बीच में कोलिजन हो रहा है, या तीसरा कुछ भी इसको ना सपोर्ट कर रहा है, ना इसका कोई फोर्स इसको रोकने का, ना कुछ भी इस पर काम नहीं कर रहा है। तो इसी कहते हैं टोरकाइनेटिक एनर्जी, इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम को इक्वल होगा अगर उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यही था कॉन्सेप्ट, और उसके बाद दिया था कि इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो देखते हैं डेरिवेशन कैसे करेंगे। हम लोग जानते हैं, अगर ये दो कार का ही हम एग्जांपल लेके देखें, इसी दो कार का एग्जांपल लेके देखें, और मान लें कि पहला कार का जो है इसको हम फर्स्ट कार मान लें, लेफ्ट साइड का कार को हम फर्स्ट कार मान लें, और राइट साइड का कार को हम सेकंड कार, इसको हम फर्स्ट कार मान लें और इसको सेकंड कार, और इसका जो है मास को हम M1 मान लें और इसका मास को M2 मान लें, और दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जो है तो U1 इसका मान ले और इसका U2, और इसका V1 मान ले फाइनल वेलोसिटी का, V2 मान लेते हैं। तो चलिए हम इस पर डेरिवेशन करके देखते हैं, क्योंकि डेरिवेशन हमारा सिलेबस में भी है। तो हम जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। उसके बाद अगर पहला ऑब्जेक्ट का हम, पहला जो यहाँ पे हम माने थे, पहला जो ये इमेज माने थे, इसका अगर हम अब इस पर अगर हम फोर्स देखें, F1 पे फोर्स देखें, पहला इधर वाला को हम F1 मान लेते हैं, दोनों को एक पे F1 फोर्स अप्लाई होगा, एक पे F2 बना होगा, तो इस F1 पे किसके कारण फोर्स अप्लाई होगा, इस F1 पे अगर हम इधर इसको, इस कार का मोशन फोर्स को F1 मान लेते हैं,
F1 मान लेते हैं, इस पर तो फोर्स किससे अप्लाई हो रहा है, तो इस कार का मतलब M2 के और U2 V2 के कारण इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई होगा। तो F1 को मास, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास के कारण उस पर फोर्स लग रहा है, और साथ ही साथ उसी का वेलोसिटी के कारण, क्या एक्सेलरेशन हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो V2 - V1/T यही हो जाएगा। V2 - U2। क्योंकि जो भी फोर्स लगेगा वो सेकेंड ऑब्जेक्ट के कारण इस पर लगेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम अब वहाँ F2 पे अगर देखें हम फोर्स टू सेकेंड कार पे, तो वहाँ पहला कार में लगेगा जो भी लगेगा, तो M1 = V1 - U1/T। अब देखें दोनों कार का, अगर हम देखें डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों कार का डायरेक्शन देखें तो अपोजिट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं F1 = -F2। तो अब इसी को हम उतार देते हैं, जो हमारा ये क्वेश्चन था ऊपर उसको हम उतारते हैं। पहला क्या था F1 के जगह क्या था M2 - V2 - U2/T। और सेकंड इक्वेशन देखें तो क्या था, पहले माइनस का साइन आ जाएगा, उसके बाद M1 - V1 - U1/T ये हो जाएगा। अब देखें तो दोनों टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों का कॉलेजन सेम टाइम के लिए होगा, तो दोनों टाइम सेम हो जाएगा, तो दोनों टाइम का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा M1 - U1। तो ये हुआ। अब इसी को हम रीअरेंज करके लिखें, तो इधर नेगेटिव वाला को इधर ले लेते हैं, M2 - V2 + M1 - V1। अब इसको अगर डायरेक्शन उसको जो उधर ले जाएं, इस टर्म को इस साइड ले जाएं और इसको इधर लाए हैं, तो M2 - U2 + M1 - U1। तो यही हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हम देखें तो इनिशियल दोनों का इनिशियल टोटल मोमेंटम देखें, तो पहले M1 - U1 + M2 - U2 इनिशियल दोनों का हो गया, और फाइनल के बराबर हो जाता है। तो यही हमारा चेंज इन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है। अब इसका एप्लीकेशन पे क्या है बात, तो पहले यहाँ भी देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, कोई भी वहाँ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो सिस्टम पर, कोई भी अगर बाहरी फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा हो, तो सिस्टम का जो होगा मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन होता है और वो सिस्टम आइसोलेटेड होता है, मतलब किसी भी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं रखता है, वो सिस्टम में कहीं भी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ रहा हो ना जा रहा हो, तो दोनों का मोमेंटम जो होगा बिफोर कोलिजन इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन को, जिसको हम इनिशियल मोमेंटम लिए थे, एक को फाइनल मोमेंटम लिए थे,
अब उसी का डेरिवेशन दिया हुआ है, जैसे किए थे वैसे ही हैं, तो यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर उधर पीछे से देख लीजिए डेरिवेशन। अब दिया हुआ है उसी का एग्जांपल में दिया हुआ है, एप्लीकेशन में दिया है रिकॉलिंग ऑफ गन। तो इसमें होता क्या है, तो ये जो गन जब भी फायर हो रहा होता है, जब भी गन फायर हो रहा होता है तो क्या होता है, एक सिस्टम के अंदर होता है। जब भी गन फायर हो रहा होता है तो एक सिस्टम के अंदर होता है, और उसके एक्सटर्नल उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, इस पर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, बस उसी सिस्टम के अंदर होता है। तो सिस्टम के अंदर होता है तो हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, कोई भी मोमेंटम हमेशा लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो ये जब फायर हुआ तो इसका जो बुलेट रहता है आगे निकलता है, बुलेट आगे की तरफ निकल रहा है। तो जब बुलेट आगे की तरफ निकलेगा तो इनिशियल मोमेंटम देखे तो मैं इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो था, मोमेंटम इनिशियल था जो जीरो था। लेकिन जब बुलेट फायर हुआ तो उसमें तो कुछ ना कुछ मोमेंटम आया होगा, क्योंकि उसमें कुछ मास भी है, वेलोसिटी भी है, कुछ ना कुछ तो उसमें मोमेंटम आया होगा। तो उसी मोमेंटम को कैंसिल आउट करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसी मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए। क्योंकि जब इनिशियल मोमेंटम हम देखें, क्योंकि सारा बॉडी स्थिर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रूप में था, सारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रूप में था, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उससे अप्लाई नहीं हो रहा था, ना ही उसके अंदर कुछ था, तो उसका मोमेंटम जीरो था। लेकिन जब फायर हुआ तो हम देखें कि इससे बुलेट निकला बाहर, गन से बाहर निकला बुलेट, तो इसके को रोकने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। और उसी को उसी कारण जब देखते हैं कि आदमी पीछे की तरफ छिटक जाता है, या फिर उसी को हम कहते हैं रिकॉलिंग कहते हैं। अब रिकॉलिंग ऑफ गन में क्या दिया है, अगर कोई एक बुलेट फायर हो रहा है गन से, गन रिकॉइल करता है मतलब पीछे की तरफ लगता है, इस रिकॉलिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था, यहाँ पर जो देखें इस फार्मूला की मदद से कहते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता रहता है कि इनिशियल दोनों पता है। अगर देखें तो इनिशियल U1 और V1 ये दोनों जीरो था, ये तो हमको पता था, और साथ ही साथ हमें क्या पता था M2 मतलब कि पहला का मास भी पता है हमको, बुलेट का भी मास पता रहता है, गन का भी मास पता है, दोनों का मास पता है। उसके बाद बुलेट जो फायर हुआ उसका स्पीड भी पता है, तो हम गन का तो स्पीड निकाल सकते हैं जो कि रिकॉलिंग का स्पीड कह रहा है। तो वही कह रहा है कि अगर हम को अगर वेलोसिटी रिकॉलिंग का पता करना है गन का, हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के द्वारा। तो यहाँ कुछ हद तक कैलकुलेट करके भी बताया है, देखिए मास का दिया हुआ है, एक बुलेट का मास M1 ले लिया है, और गन का मास कैपिटल M ले लिया है, इनिशियल वेलोसिटी U1 ले लिया है बुलेट का, और V दिया है रिकॉलिंग वेलोसिटी, जैसा फिगर में दिखाया है, यहाँ फिगर भी दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है फायर होने से पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट में था, उसका मोमेंटम जीरो था, जब फायर नहीं हुआ तो दोनों का मोमेंटम जीरो था। तो होता है तो फायर होने के बाद क्या हो जाएगा, M1 M2 V2 प्लस M1 U1, ये हो जाएगा फायर होने से के बाद। तो दोनों को अगर इस इक्वेशन पर बैठाएं, इस इक्वेशन पे सॉल्व करें, तो हमारा दोनों का जो क्या था गन का रिकॉलिंग का वेलोसिटी वो हमको पता चल जाएगा। उसके बाद देखते हैं जेट रॉकेट या जेट प्लेन का। तो रॉकेट और जेट प्लेन में क्या होता है कि जब ये लॉन्च होता है, इसमें तो दोनों होता है, मास भी चेंज होता है और वेलोसिटी भी होता है, लेकिन अभी तो हम मास को कंजर्व मान के बना रहे होते हैं। इसमें होता है क्या है कि जब फ्यूल बर्न करता है, तो इनिशियली देखें तो सिस्टम का जो होता है वेलोसिटी जीरो होता है, क्योंकि वो स्टेशनरी पोजिशन पर ये भी रहता है। लेकिन बाद में देखें तो जब ये लॉन्च हो जाता है इसमें कुछ ना कुछ मोशन आ जाता है, कहीं कुछ ना कुछ फोर्स लग जाता है, और फोर्स लगता है तो क्या होता है कि
मोशन आ जाता है, मोशन में आ जाता है तो क्या होता है कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इसी का फ्यूल को हम बर्न करते हैं, तो होता क्या है कि ये पीछे की ओर जब फ्यूल का गैस आता है तो ये आगे की तरफ मूव करने लगता है। पीछे की तरफ जब फ्यूल आता है तो इसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाता है, और उसी मोमेंटम को अपोज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगता है, जिसके कारण कि हमारा उसी मोमेंटम को अपोज करने का हमारा एक अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लगता है, जिसके कारण कि हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसी को अपोज करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, और इसके कारण इसमें मोशन होने लगेगा और ये मूव करने लगेगा। तो इस पर कुछ ज़्यादा है नहीं, तो दिया हुआ है रॉकेट में जो होता है फ्यूल जो होता है बर्न करता है और इस्केप करता है नोजल से, मतलब पीछे का पार्ट से, बहुत ज़्यादा लार्ज वेलोसिटी के साथ। उसके रिजल्ट होता है क्या, वो एक बैकवर्ड मोमेंटम होता है, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ मोमेंटम लगने लगता है, और उसी के इम्पैक्ट से इक्वल मोमेंटम फॉरवर्ड लगता है रॉकेट की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन के द्वारा, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेशनरी है तो वो हमेशा उसका मोमेंटम जीरो ही रहेगा। तो अभी नीचे की तरफ लग रहा है तो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसके कारण कि ऑब्जेक्ट का मोमेंटम वापस जीरो हो जाता है। तो यही था इसमें। अब आता है इम्पल्स क्या है। इम्पल्स अगर कोई ऑब्जेक्ट पे जो होता है, कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो वो काफ़ी कम समय के लिए डेल्टा डी, मतलब काफ़ी कम से अप्रॉक्सीमेटली कहें तो वन सेकेंड को अगर 100 पार्ट में करते हैं, उसका 1 पार्ट टाइम के लिए जो होगा फोर्स लगेगा उसको हम इम्पल्स कहेंगे। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ देखिए तो क्रिकेट में दिया हुआ है कि बॉल पे जब ये हिट करता है तो देखिए तो काफ़ी कम समय के लिए, बहुत माइन्यूट टाइम रहता है, अप्रॉक्सीमेटली कहें तो टाइम जीरो रहता है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो लिमिट के लगभग टाइम पहुँच जाता है। तो वैसा में हम कहते हैं उसको इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स को अगर डिफाइन करना हो, इम्पल्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है, या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर फोर्स जो होता है बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई हो तो हम क्या कहते हैं, उसको इम्पल्स कहते हैं। अगर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई हो फोर्स, तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला हम जैसे देख लिए, आई बराबर एफ टी होता है, यहाँ डेल्टा टी सी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम रहता है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो के पास रहता है। तो इसका अगर यूनिट देखें तो इसका फोर्स का यूनिट जानते हैं हम न्यूटन होता है, और टाइम का जानते हैं सेकेंड, तो इसका न्यूटन सेकेंड हो जाता है यूनिट। और उसका डायमेंशन देखें तो डायमेंशन देखें न्यूटन का जानते हैं, न्यूटन फोर्स का है तो उसका डायमेंशन होता है MLT-2, और साथ ही साथ सेकेंड का हो जाएगा टी, सेकेंड का टी हो जाएगा MLT-2 है, और यहाँ टी है तो T-1 हो जाएगा, यही हो गया उसका डायमेंशन। ऐसे डायमेंशन सिलेबस में भी रहे हैं। बुक कहता है कि हमारे डेली लाइफ में होता है जो
हम बहुत सारा ऐसा एग्जांपल देखते हैं मोमेंटम का, हम किक करते हैं बॉल को या पंच करते हैं कोई बैग को, जब कोई भी स्पोर्ट प्ले कर लेते हैं उसमें बहुत काइंड ऑफ बॉल होता है जिसमें कि हम इम्पल्स लगाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हम कोई हम इम्पल्स लगा रहे हैं और हम उसमें जानते नहीं हैं। हम इम्पल्स को समझने से पहले हम लोग को कंजर्वेशन के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जो कि हम देख लिए हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में हम पूरा अभी देख चुके हैं पिछले में। तो मोमेंटम रेफर करता है मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ के, अल्सो मेजरमेंट ऑफ हाउ डिफिकल्ट टू स्टोर एन ऑब्जेक्ट, कितना डिफिकल्ट है। जैसे देखिए, जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, जिसका जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। एक ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है उसमें जीरो मोमेंटम है, बिसाइड सो मूविंग लार्ज ऑब्जेक्ट हैज लार्ज अमाउंट मोमेंटम। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टॉप में रहता है तो वो उसका मोमेंटम जीरो होता है, जबकि मोशन में रहता है उसका बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग करता है तो उसमें लार्ज मोमेंटम रहता है। एग्जांपल लिया है, सपोज करते हैं एक बॉल है जो कि उसका सेम वेलोसिटी है, दो बॉल हैं जिसका सेम वेलोसिटी है, एक पिंग पोंग बॉल है एक बॉलिंग बॉल है, तो होता है कि मोमेंटम जो होता है इसका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका ज़्यादा वो पिंग पोंग की का पिंग पोंग जानते हैं बहुत छोटा बॉल होता है, लेकिन बॉलिंग बॉल जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो इसका मास ज़्यादा हो जाएगा, इसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। इसके बाद आ जाता है हम लोग को सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, सर्कुलर मोशन में ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस हम लोग का लगभग सबका डिफिनेशन है, क्योंकि इसको हम फिर एक बार रोटेशनल मोशन में एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन, तो इसमें उतना ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो एक सर्कल पे, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल पे मूव कर रहा हो तो हम उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। वेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो हम उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन है। जैसे कि अगर हम प्लानिटरी मोशन देखें तो हमारे सेंटर में सन रहता है, और अर्थ जो होता है एक सर्कल की तरह, सर्कल तो नहीं होता है वो ऑप्टिकल ऑर्बिट रहता है, लेकिन अगर सर्कल मार के देखें तो सर्कल की तरह वो हमेशा रोटेट उस पर अपना फिक्स ऑर्बिट पे रोटेट करते रहता है, तो उसको भी हम सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले सकते हैं। और भी बहुत सारा एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का, हम सैटेलाइट का एग्जांपल ले लें, जो सैटेलाइट हमेशा मूव करते रहता है, मून का ले लें तो वो भी हमेशा मूव करते रहता है एक सर्कुलर पाथ पे। सर्कुलर मोशन के बारे में यही है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल पे मूव कर रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल पे मूव कर रहा हो तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो। तो इसमें हमको बस सबका जो है डिफिनेशन को समझना है, डिफिनेशन क्या आएगा कि इसके बारे में फिर एक बार हम लोग फिर से देखना है हमको। इसमें क्या कहता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं फर्स्ट टाइम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पोजीशन ए है, ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और मूव करते करते आ गया ए बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, तो हम इसको सबसे पहले सेंटर से सब दोनों को ज्वाइन करेंगे, यहाँ मान लेते हैं सेंटर है, सेंटर से हमको इसको ज्वाइन करेंगे, सेंटर से हम इसको ज्वाइन किए, बहुत ज़्यादा लाइन हो गया, सबसे पहले हम इसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं। तो अब देखें तो इस दोनों के मोशन के पोजीशन जो चेंज हुआ, एक यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से गया मूव करते हुए इस जगह पे जो पहुँचा, तो इसमें कुछ ना कुछ तो पोजीशन में चेंज हुआ, तो उसमें कारण जो होता है यहाँ पे कुछ एंगल बना थीटा, इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो भी एंगल में चेंज होता है उसके पोजीशन के चेंज होने के कारण उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, When an object move in circular path,
जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है देन द एंगल मेड बाय मेड ड्यू टू चेंज इन पोजिशन तो जो भी ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर पाथ पे जो मूव कर रहा होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो उसका एंगल जो बनता है चेंज इन पोजिशन पोजिशन के चेंज होने के कारण तो उसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो होता है इसका ऐसे सिलेबस में देखें तो सिर्फ डिफिनेशन है, लेकिन फिर भी हम यूनिट पर बात करते हुए जाएंगे क्योंकि यूनिट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। तो इसका यूनिट जो होता है उसको रेडियन कहते हैं, रेडियन, क्योंकि ये जो है एक एंगल हो जाता है, तो एंगल को हम जानते हैं रेडियन में करते हैं, उसको डिनोट करते हैं थीटा से। तो इसका बस डिफिनेशन था, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखे थे बताया गया है कोई ऑब्जेक्ट इसको डिफाइन करके आ गया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा है पर यूनिट टाइम में, तो इसको जो होता है थीटा से मेजर करते हैं रेडियन को। और फिगर में से यहाँ समझाया भी गया है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले मूव करके इस जगह से मूव करके इस जगह पे जाता है तो इसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, जैसा कि हम लोग जानते हैं लीनियर वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो कि हम लीनियर में भी देखे थे, लीनियर में भी यही होता था, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है साथ हमारा हो जाता, तो वो लीनियर वेलोसिटी हो जाता था। तो वही अगर रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होगा तो यूनिट टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो उसको कहेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट टाइम में जो भी एंगल में चेंज होगा तो हम कहेंगे उसको एंगुलर वेलोसिटी। तो हम जैसे देखें, अगर पिछला केस में देखें, जैसे ऑब्जेक्ट मूव करके ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया था, तो इसमें कुछ टाइम इंटरवल मान लेते हैं टी टाइम इंटरवल लगा था, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया तो हम देखे थे थीटा आया था, उसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या था वो थीटा था, थीटा बाय टाइम इंटरवल, तो इसी को हम कह देते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारा ज़्यादा टॉपिक में है कुछ नहीं, हमारा बस डिफिनेशन है, तो बस डिफिनेशन देखेंगे। तो डिफिनेशन बस यही कहता है रेट ऑफ चेंज इन एंगल का, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ एंगुलर लगा देते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिफाइन कैसे किया हुआ है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ए पार्टिकुलर इन सर्कुलर मोशन, कोई सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं उसमें जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे चेंज जाएगा उसी को हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, उसको डिनोट किया जाता है डेल्टा थीटा, एंगुलर वेलोसिटी है इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग ओमेगा से करते हैं, इसे डब्ल्यू के तरह लिखाते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। उसके बाद जाता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो
अभी डिस्प्लेसमेंट पे था, एक्सेलरेशन की बात आया तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसको हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बस डिफिनेशन ही, तो बस डिफिनेशन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दो तरह का आ जाता है, इसमें दो तरह का एक्सेलरेशन आ जाता है, एक टेंजेंशियल आ जाता है और एक रेडियल एक्सेलरेशन आ जाता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखें, जब जो भी जैसे मोशन हो रहा है, तो हम देखे थे कोई भी फोर्स रहता था एक, ये तो हम जब मोशन कर रहे हैं ये एक वेलोसिटी से कर रहे थे, ये भी एक वेक्टर है। जब भी कोई वेक्टर को देखे इसका दो तीन बहुत ज़्यादा जितना कंपोनेंट निकलना चाहे उतना निकल सकता था, तो हम दो ही लेते थे, यहाँ भी दो ही लेंगे। तो जो कि टेंजेंट के डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट रहेगा, जो भी एक्सेलरेशन का टेंजेंट के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा उसको हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंट के साथ डायरेक्शन में हम देखें तो मोशन भी टेंजेंट के डायरेक्शन में ही होता है, मोशन ऑब्जेक्ट का टेंजेंस के डायरेक्शन में होता है। तो हम ये भी लग सकते हैं एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो हो, या फिर जिधर वेलोसिटी हो उस डायरेक्शन में जो हो, जिसका ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो उसको भी हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह सकते हैं। या फिर हमको अगर सिंपली याद रखना है तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि टेंजेंट के डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन लगे उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और जो रेडियस के डायरेक्शन में लगे सेंटर के डायरेक्शन में, तो हम देखे थे ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल जो होता है एक्सेलरेशन वो सेंटर की तरफ लगता है। तो जो जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है सेंटर की तरफ लगे उसको हम कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि एक एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बार पीरियोडिक मोशन करता है, कितना बार पीरियोडिक मोशन करता है, पीरियोडिक मोशन करता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, अगर हम यहाँ सर्कुलर मोशन पर हमको सर्कुलर का हम एग्जांपल लेके देखें, तो हम देखेंगे कि एक ही पाथ पर, एक ही पाथ पर बार बार वो रिपीट करता है। तो जो एक ही पाथ को बार बार रिपीट करे तो उसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। तो अगर इसके सर्कुलर मोशन का डिफाइन करें इसको, तो फ्रीक्वेंसी को, तो हम ऐसे कर सकते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर मोशन इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मूव करता है उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑकरेंस रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना बार कोई भी इवेंट होता है, ऑकर होता है, यानी फिर कहीं जैसे रोटेशन हो रहा था कितना बार रोटेशन होता है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम बस डिफिनेशन था इतना ही। अब उसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या कहता है कि एक बार रोटेशन में, वन रोटेशन में, वन रोटेशन में कितना टाइम लगता है, वन रोटेशन में कितना टाइम लगता है उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो इसका भी सिर्फ डिफिनेशन है, डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसके बाद बस डिफिनेशन है, इसलिए हम फास्ट में खींचते जा रहे हैं। टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक वही सर्कुलर मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, कंप्लीट करता है वन पीरियड, एक सर्कुलर को हम ही पीरियोडिक कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इसका यूनिट जो होता है सेकेंड होता है, और इसके बस अति देखना था इसीलिए। और उसके बाद हमारा देखते हैं रिलेशन क्या है एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, फिर लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में क्या है, तो इन सबको देखते हैं। अगर एक बार हम बात करें
एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? थीटा, थीट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट को क्या डिनोट करते थे? थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा थीटा से हम डिनोट करते थे। और जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा से डिनोट करते थे, और एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते थे। एक मिनट थोड़ा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा थीटा से करते थे, और एंगुलर लीनियर को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एस से डिनोट करते थे, या फिर डायरेक्ट एस से भी डिनोट करते थे। तो अगर इसके बाद में हम रिलेशन देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एस बराबर आर थीटा हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा। तो इस सिंपल से याद रखना है कि जो भी लीनियर और एंगुलर के बीच में अगर डिफरेंस के बीच में जब रिलेशन पूछा जाएगा तो एंगुलर वाला में रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या है वही देख रहे हैं। अब हमारा है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो बस करना क्या है, रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना है, रेडियस से बस मल्टीप्लाई कर देना है, उस दोनों के बीच का रिलेशन निकल जाएगा। उसके बाद हमारा है एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो हम जानते हैं लीनियर एक्सेलरेशन को हम किससे, ए से डिनोट करते थे, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते थे। तो बस मल्टीप्लाई हमको आर से कर देना है, हो गया हमारे तीनों के बीच का रिलेशन। उसके बाद होता है बेंडिंग ऑफ रोड, इसमें थोड़ा समझना है हमें बेंडिंग ऑफ रोड क्या है। जैसे देखते हैं कोई एक रोड है, जो कि जब जहाँ टर्निंग पॉइंट रहता है, जिसका टर्निंग होता है, सॉरी जिस जगह पे टर्निंग होता है, जिस जगह पे टर्निंग होता है उस जगह पर देखते हैं हल्का सा अपना रोड अपने पोजीशन से हल्का थोड़ा थीटा एंगल पे उठा हुआ रहता है, थोड़ा थीटा एंगल पे ये रोड इस साइड में उठा हुआ रहता है, तो उसी को हम बेंडिंग ऑफ रोड कहते हैं। लेकिन वहाँ बेंडिंग ऑफ रोड क्यों हम ये थोड़ा उठा हुआ रहता है, तो उसके पीछे हम रीजन देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक ये बेंड रोड है, ठीक, यहाँ से हम कार इधर मूव करेगा, हमारा आगे की तरफ आएगा इसका, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट है। इस जगह पर ये रोड उठा हुआ है, ठीक। अब इस पर हम कोई मानते हैं कार है ये, जिसका मास m है, कार है जिसका मास m है। तो अगर देखें इसका कंपोनेंट देखें तो एक तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लगेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स डायरेक्ट परपेंडिकुलर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, जिसको हम n से डिनोट करेंगे। ऐसे बुक में बहुत जगह r से डिनोट किया हुआ है। और इसके डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एम जी वेट के कारण इसमें, और तीसरा कोई फोर्स लगेगा नहीं, तीसरा और कोई फोर्स नहीं लगेगा। और फ्रिक्शन को ले लें तो ऑब्जेक्ट जो है जब टर्निंग ले रहा होता तो इस तरह डायरेक्शन मूव करना चाहता है, इसका फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन से स्मॉल एफ लगेगा, ठीक, और कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो अब इसको हम एक अलग डायग्राम बना के अच्छा से देखते हैं क्या क्या फोर्स लग रहा है, सबको एक एक करके देखते हैं अच्छा से। इसको थोड़ा नीचे देखते हैं तो हमारा ऐसा रोड था, इस पर कोई मास था, मतलब कोई कार था एम मास का, तो हम टोटल सब फोर्स इस पर ड्रॉ करते हैं वन बाय वन। नीचे था ग्रेविटेशनल फोर्स जी था,
एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट पोर्ट एन था और एक फ्रिक्शन पोर्ट एफ था। अब सबका कंपोनेंट लेते हैं एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए, जब इस डायरेक्शन में मोशन में था, जब ऐसे था, तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा। एक तो इस डायरेक्शन में इसके जस्ट नॉर्मल कॉन्टैक्ट को उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हमारे इधर इधर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा एंगल है। हम जानते हैं इस डायरेक्शन में मेरा कॉस कंपोनेंट होता है, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, एम जी कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में देखो तो हमारा साइन कंपोनेंट हो जाएगा, साइन थीटा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो हम देखिए, तो हमारा अब देखें तो इसका फ्रिक्शन का वैल्यू, अब देखें यहाँ पर फ्रिक्शन हम जानते हैं क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन होता है। एन का वैल्यू देखें तो मेरा एम जी कॉस थीटा हो गया, म्यू प्लस एम जी कॉस थीटा। और इस साथ साथ ये फोर्स भी, अब इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स भी लग रहा है एम जी साइन थीटा, भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब देखें तो टोटल एक टोटल इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स लग रहा है। अब इसे देखें ये तो उसको देखें, तो हम देखेंगे कि इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू, एक जो फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा जो हमारा फ्रिक्शन की वजह से लगा। और साथ ही साथ हमारा कौन सा एक फोर्स लगेगा, ये वाला, ये कंपोनेंट जो कि इस डायरेक्शन में है, एम जी साइन थीटा। ये तो था हमारा डेरिवेशन। तो ऐसा क्या हुआ इसमें, तो जब हम देखें कि पहले हमारा एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में हमारा इतना फोर्स लगा, तो इसका कारण हुआ क्या कि पहले जो था, जब रोड नॉर्मल था, रोड जब प्लेन था इस पर जब मूव कर रहा था, तो होता क्या था कि इस डायरेक्शन में बस एक कोई भी फ्रिक्शन फोर्स लगता था, और साथ ही साथ पूरा का पूरा इधर वेट लग जाता था, तो वो ऑब्जेक्ट होता था इधर स्लाइड कर सकता था। लेकिन अब देखें तो इस डायरेक्शन में हमारा दो तीन फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा टोटल दो फोर्स लग रहा है। तो अब इसके कारण हुआ क्या, इसका कुछ ज़्यादा हमारा मोशन में अब मदद कर रहा है, अब ये ज़्यादा स्लाइड नहीं करेगा, वैसा अब कंडीशन नहीं आएगा जब स्लाइड करने का। सेम कंडीशन हमारा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में भी हो जाता है। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में क्या होता है कि जब हम टर्निंग कर रहे होते हैं, टर्न कर रहे होते हैं, तो हम अपना साइकिल को बेंड कर लेते हैं, साइकिल को टर्न समवट बेंड कर लेते हैं। साइकिल को हम अपना बेंड कर लेते हैं, बेंड करते हैं, तो उसमें भी वही सेम कंडीशन हो जाता है कि हमारा होता है जो फोर्स का कंपोनेंट जो होता है, मैक्सिमम कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाता है, और जिसके कारण कि हमारा स्लाइड हमारा साइकिल नहीं करता है और इजीली मूव कर लेते हैं। तो यही था हमारा टॉपिक में, तो ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं।